नमस्कार। जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और बिहार की जन सुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने उन मौकों के बारे में बताया है जब विपक्ष विशेषकर कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती थी पर मौकों से चूक जाने के चलते नहीं आ पाई। आइए जानते हैं प्रशांत किशोर के अनुसार वो कौन से मौके थे जहाँ बीजेपी कमजोर थी और कांग्रेस के पास सत्ता वापसी के मौके थे। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में बताया कि साल 2015 और 2016 के दौरान बीजेपी ने दिल्ली, असम, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव हारे थे। उस दौरान ये सबसे बड़ा मौका था कांग्रेस के लिए बाउंस बैक करने का, क्योंकि उस दौरान ही पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी जस्ट बढ़ना शुरू हुई थी। उसके बाद साल 2016 की नोटबंदी, उस दौरान डिमोनेटाइजेशन के चलते देश में बड़ा इकोनॉमिक अनरेस्ट था, लेकिन कांग्रेस ने इस मौके को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि बीजेपी उसके अगले ही साल यानी साल 2017 में यूपी में चुनाव जीती थी, पर गुजरात और महाराष्ट्र में डिमोनेटाइजेशन को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। इस पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो समय बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के लिए ही अच्छा समय नहीं था। इसका सीधा सीधा असर साल 2017 के गुजरात चुनाव में देखने को मिला था। उस दौरान भी वैसे कांग्रेस हार गई थी, लेकिन बीजेपी से सिर्फ 15 सीटों से ही पीछे थी। 15 से 17 महीने के समय में बीजेपी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव भी हारे थे। किशोर ने कहा कि साल 2021 में कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी में गिरावट आई थी और साथ ही बीजेपी ने वेस्ट बंगाल का चुनाव भी हारा था। साल 2023 में इंडिया ब्लॉक बनाया गया और लग रहा था कि अब फाइनली टक्कर देने के लिए एक तगड़ा विपक्ष खड़ा हो रहा है, लेकिन उसके कई महीनों तक कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली, जिसके चलते इंडिया ब्लॉक कमजोर हो गया। प्रशांत किशोर ने प्रेडिक्ट किया है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए सत्ता में वापसी कर रही है। हालांकि वो बीजेपी के 400 पार वाले दावे को खारिज करते हुए कहते हैं कि 400 पार लाना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी 370 तक सीट ला सकती है। क्या कहना है आपका इस पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।